नमस्कार दोस्तों, रीएजुकेशन एकेडमी के मोटिवेशनल प्लेलिस्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। कहते हैं कि गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, वो शख्स क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितनी परीक्षाएं दिया है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि आप हर बार गिरने के बाद उठने और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हैं। आपके संघर्ष में मेहनत और ईमानदारी का भाव होता है, लक्ष्य के प्रति समर्पण होता है। हर अगले दिन पिछले दिन की अपेक्षा कुछ बेहतर करने की लालसा, जिज्ञासा और विश्वास होता है। आप अगर इन विचारों के साथ, इन धारणाओं के साथ, इन विश्वास के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो आप यकीन मानिए कि एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी, विभिन्न प्रकार के आयोग और परीक्षा करवाने वाली संस्थाओं के मंतव्य और अपेक्षाओं पर आपको खरा उतरने के लिए जितनी नॉलेज की जरूरत है एक न एक दिन जरूर आपके पास होती है और आप सफलता के श्रेणी में अपने आप को खड़ा कर पाते हैं। इसलिए परीक्षा में कभी भी हार से घबराना नहीं चाहिए, बशर्ते यह है कि उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। बेसिकली आज का हमारा जो टॉपिक है वो यह है कि समाज में कई ऐसे तथा कथित जो है टैलेंटेड लोग पाए जाते हैं जो सफल नहीं होते हैं, जिनके बारे में यह कहा जाता है अरे बड़े टैलेंटेड व्यक्ति हैं भाई, इनका तो चयन हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक चयन क्यों नहीं हुआ है। इसके पीछे की कहानी के लिए हम लोग जो है कुछ शब्दों को यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर अंकित करते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने विचार और रिसर्च को आप लोगों के सामने पेश करने का प्रयास करते हैं। एक हो गया प्रतिभा, एक हो गया सफलता, दूसरा हो गया शब्द जो है ज्ञान, और इसी में एक शब्द हो गया समझ। ये इन्हीं के माध्यम से जो है हम पिछले एक साल में विभिन्न स्टूडेंट से जिनसे मुलाकात हुई है और विभिन्न प्रकार के स्टूडेंट जो क्वेश्चन पूछते हैं या जो मेल के माध्यम से या विभिन्न प्रकार के जो प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी समस्या रखते हैं उनका निष्कर्ष निकाला गया, तो उनके मूल में जो कुछ बातें थी उन्हीं को हम बताने का आप लोगों को प्रयास करेंगे और अंत में एक ऐसी दिशा देने का प्रयास करेंगे जिससे आप सफलता के मार्ग और लक्ष्य तक जो पहुँचने के लिए अपने आप को उस दौड़ में शामिल कर पाए। तो बेसिकली समाज में इस बात की धारणा है कि टैलेंटेड होने के बाद भी जो उनका चयन नहीं हो रहा है। अच्छा, इसके लिए जो है सबसे बड़ी मजे की बात तो यह है कि स्टूडेंट के द्वारा जो है इसके लिए एक ऐसे ढाल की खोज की जाती है, एक ऐसे ढाल की खोज की जाती है जिसमें विश्वास करना बहुत बड़ी मूर्खता है, और वो ढाल है भाग्य का, वो ढाल है भाग्य का कि लक काम नहीं किया। लक आपका कितनी बार काम नहीं करेगा, क्यों लक को आपसे ही दुश्मनी है या आपको ही लक से दुश्मनी है, क्यों आपका लक साथ नहीं दे रहा है। इसके लिए आप लक को जिम्मेदार ठहरा करके अपने कर्तव्य पथ से अपने आप को विमुख कर रहे हैं और अपनी असफलता पर एक ऐसे पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं जिसके माध्यम से आप ही भविष्य में अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। भाग्य में तो भरोसा एकदम नहीं करने की आवश्यकता है, आपको केवल कर्म में भरोसा करना है, क्योंकि कर्म के बाद ही आपको परिणाम दिखाई पड़ते हैं। आप स्टूडेंट हैं, आप गणित पढ़ते हैं, आप विज्ञान पढ़ते हैं, जहां पर प्रयोग करते हैं और प्रयोग के बाद आप परिणाम प्राप्त करते हैं, तो ऐसे चीजों में आप क्यों भरोसा करते हैं, ऐसे चीजों में आप क्यों भरोसा करते हैं जिसका कि पृथ्वी पर कोई अस्तित्व ही नहीं है। भाग्य के भरोसे बैठना, कर्म ना करना, खाना ना बनाना, खाना खाने के बारे में सोचना, ये कहां तक वैज्ञानिक है, कहां तक यथार्थ है, कहां तक जो है प्रैक्टिकली आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। इससे केवल आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के लिए, केवल असफलता के अपने स्तर पर जो है पर्दा डालने का काम करते हैं। भाग्य के भरोसे बैठने वाला व्यक्ति केवल मूर्ख व्यक्ति होता है। आपका प्रयास करना ही आपका सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है, और प्रयास आप करेंगे तो हर अगले दिन आपका स्तर पिछले दिन से जो है बेहतर होगा। इसलिए भाग्य जैसे जो है हथकंडे और भाग्य जैसे ढाल को जो है अपनाने का प्रयास मत कीजिए। आपको मेहनत करना है, आपको स्ट्रेटजी के साथ काम करना है। यहां पर एक शब्द यह है प्रतिभा। कहा जाता है कि बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है, बहुत टैलेंटेड लड़का है,
लेकिन चयन नहीं हो रहा, बहुत टैलेंटेड लड़का है, बहुत मेहनत करता है। अरे भाई मेहनत करने का क्या मतलब है, मेहनत तो जो खेत में बैल भी करते हैं। अब इसका मतलब थोड़ी ना बैल को हम राष्ट्रपति बना देंगे देश का। आपके लिए जो ये स्मार्ट लेबर की जरूरत है, तो प्रतिभा केवल इंपॉर्टेंट, प्रतिभा ये चीज बताती है, बेसिकली आपको समझने की जरूरत है। टैलेंटेड इस बात को कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर करना चाहता है तो औरों की अपेक्षा वो कम समय में किसी चीज को सीख लेता है, कर लेता है, ये कहा जाता है वो व्यक्ति टैलेंटेड है। लेकिन इसका कोई मतलब ये नहीं है कि वह व्यक्ति कर लेगा, कर लेने के लिए करना पड़ता है। और समाज में कई ऐसे व्यक्ति होते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो कर सकते हैं लेकिन करते नहीं, और जो करते नहीं तो होता नहीं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो समाज में ऑब्जर्व किया गया है कि दो प्रकार के स्टूडेंट हैं। एक तो ऐसे स्टूडेंट हैं जो काम चलाओ पढ़ाई कर रहे हैं कि चला हो हाई स्कूल इंटरमीडिएट तो पढ़ ही रहे हैं, पास हो ही जाएंगे, हाई स्कूल इंटरमीडिएट पढ़ रहे हैं पास हो जाएंगे, बीए कर लेंगे, एमए कर लेंगे, उसके बाद क्या करना है, शादी विवाह हो ही जाएगी, जिंदगी किसी तरीके से कट ही जाएगा। एक तो ऐसे प्रकार के लोग हैं, तो ये तो ऐसे पढ़ते रहते हैं, इनकी कोई ना तो जिंदगी की स्ट्रेटजी होती है और ना ही इनकी पढ़ाई का कोई निष्कर्ष निकलता है। दूसरे ऐसे स्टूडेंट हैं जो थोड़ा सा जो है एक्टिव होते हैं, वो कहाँ चले गए, इंजीनियरिंग में, भाई इंटरमीडिएट पढ़ाई किए उसके बाद चले गए तैयारी करने, तैयारी करने के दौरान तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, चूंकि इस तरीके के इतने संस्थान इस समय, आप बीटेक को उठा के देख लीजिए, हर प्रदेश में हर शहर में जो है इतने संस्थान खुल गए, आप कहीं भी एडमिशन ले लो, आपका 1 लाख रैंक आया, 1.5 लाख रैंक आया, उत्तर प्रदेश में रैंकिंग की स्थिति है, वो बीटेक करने चले गए। अब बीटेक कर रहे हैं, तमाम ताम झाम लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं, उनको ब्रांडेड जो जीन्स चाहिए, ब्रांडेड जीन्स, भाई लोकल जीन्स नहीं पहन सकते हैं, इससे अस्तर गिर जाएगा क्लास में, ब्रांडेड जीन्स पहन रहे हैं। लेकिन अपने इस जीन्स पहनने की कहानी में जो है वो भविष्य में उसी कॉलेज से हुए प्लेसमेंट के बाद मिलने वाले पैकेज की मंथली जो है इनकम में अपने उस जींस के पैंट की कीमत को नहीं आंक पाते हैं, और उसका परिणाम होता है कि उनको उनको 1.5 लाख रुपए पैकेज पर नौकरी मिल जाती है। अब आप सोचिए 1.5 लाख रुपए पैकेज मिल गई तो यानी कि महीने में 15,000 रुपए। अब आप सोचिए कि किसी भी मेट्रो सिटी में आप 15,000 में क्या कर पाएंगे। ये सब चीजें अपराध का भी एक महत्वपूर्ण आधार पैदा करती हैं। इसलिए बीटेक करना खराब नहीं है क्योंकि वहां से टेक्निकल लोग निकलते हैं, लेकिन बीटेक करने के दौरान आपके कदम जो है जमीन पर होने चाहिए, हवा में नहीं, हवा में नहीं होने चाहिए। और जब हवा में होगा तो आपका वास्ता तैयारी से नहीं होगा क्योंकि हर जगह प्रैक्टिकल मार्क्स है, आपको पास हो ही जाएंगे, लेकिन वो चीज जो है आपको उस स्तर पर नहीं पहुंचाएगा। जिंदगी में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो कंपटीशन होता है और एक एग्जामिनेशन होता है। आप जब पढ़ाई एकेडमिक स्तर पर कर रहे होते हैं, भाई दिल्ली के एक गुरु जी हैं अवध ओझा जी, उनके बारे में सब लोग जानते भी होंगे, उन्होंने भी बताया भाई कंपटीशन अलग चीज होता है और एग्जाम अलग चीज होते हैं। एग्जामिनेशन आप क्या कर रहे हैं, हाई स्कूल इंटर बी एम ए कर रहे हैं, 80% आज की डेट में जो है 99% 100% लोग पा रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई बोर्ड में 100% पा रहे हैं, बोर्ड कोई खराब नहीं होता। मार्क्स देने की क्या सिस्टम है, क्या थियरी है, क्या अप्रोच है, भाई अभी तो देख करके हमको लगता है कि हमारे जमाने में इतने कम मार्क्स मिलते तो हम लोगों को नौकरी छोड़ के घर बैठ जाना चाहिए। जब 100% वाला स्टूडेंट आया तो मुझे लगता है कि वो बोर्ड से भी ज्यादा टैलेंटेड इंपॉर्टेंट है। क्या नंबर, ये नंबर देकर के बोर्ड क्या करना चाहता है, क्या दिखाना चाहता है, नंबर देकर के क्या चीजें दिखाना चाह रहे हो, जब व्यक्ति के पास समझ नहीं है, जब प्रैक्टिकल नहीं है, जब अंडरस्टैंडिंग नहीं है, निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, आप क्या दिखाना चाह रहे हो। 100% सबको बांट दो 100% और कंपटीशन की एग्जाम में कोई नहीं पास हो पाए, तो ऐसे परीक्षा प्रणाली पे आप लोग भरोसा किए हैं। आपकी जो है ज्ञान, ये ज्ञान इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझ, आपकी समझ इंपॉर्टेंट है। दिस इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का समूह है। ज्ञान कई प्रकार के, जब प्राचीन काल में हम लोग ज्ञान पढ़ते थे, प्राचीन काल में ज्ञान क्या होता था, सत्य और असत्य के बीच में अंतर करने की क्षमता ज्ञान होती थी। लेकिन आज के समय में यह ज्ञान नहीं कोई मतलब है, वो नैतिक बातें होती थी, गुरुकुल में पढ़ाई होती थी, अंतेवासी बच्चे होते थे। आज की डेट में क्या है ज्ञान, यहां पे विभिन्न प्रकार के आधुनिक युग में होने वाले परिवर्तन को जानना, भाई
जल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बन रहा है, ये सूचना आपको दी गई है, आपने इसको खोज नहीं किया था, उसको पढ़ लिया आप ज्ञानी हो गए, बड़े ज्ञानी बन रहे हो भाई। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर आपको बता दिया जा रहा है उससे मिलकर के जो है जल बन रहा है, तो आप ज्ञानी, आप अपने आप को ज्ञानी मानने लगे। ज्ञानी नहीं हुआ आप, जो है सूचना अपने मस्तिष्क में ठूस रहे हो, भर रहे हो, और यही इन्हीं सूचनाओं का जब व्यक्ति प्रैक्टिकली उपयोग में लाने की क्षमता विकसित कर लेता है तो वो क्या हो जाता है, समझदार हो जाता है। और आज के समय में इसी समझ की आवश्यकता है, आपके संघ लोक सेवा आयोग इसी की डिमांड करता है, समझ की डिमांड करता है। और समझ में एक बात और नीत होती है, निर्णय, निर्णय आपके लिए निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि विभिन्न परिस्थितियों में आप डिसीजन क्या लेते हैं और आपका डिसीजन सत्यता के औचित्य के कितना नजदीक होता है, वही व्यक्ति जो है समझदार होता है। यूपीएससी ऐसे ही कैंडिडेट को खोजने का प्रयास करता है। तो आपके पैर जमीन पर होना चाहिए, आपके पास एक रणनीति होना चाहिए, आपके पास सिलेबस होना चाहिए, उस सिलेबस की समझ आधारित पढ़ाई होनी चाहिए। मैं अपने सभी लेक्चर में इस बात को बताने का प्रयास करता हूं कि आपकी पढ़ाई समझ पर आधारित होनी चाहिए, आपकी पढ़ाई आगे और पीछे की घटना को जोड़कर इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए, उसके क्या इंपैक्ट हो रहे हैं समाज पर उसको देखना चाहिए, उसके क्या उपाय हैं, आपके क्या विचार हैं, इस बात को समझने का प्रयास करना चाहिए। वन लाइनर कोचिंग इंप्रूवर इतने जो है समाज में भरे पड़े हुए हैं कि आप लोगों को के दिमाग में केवल ज्ञान और समझ नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन ठूसा जा रहा है। और यूपीएससी को इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, आज के कंप्यूटर के युग में उसके पास ढेर सारे इंफॉर्मेशन है भैया, कंप्यूटर में क्लिक किया सारी इंफॉर्मेशन उसके पास आ गई, इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा। आपके पास जो है डिसीजन मेकिंग की क्षमता होनी चाहिए। आप जब तक डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे तब तक आप प्रशासन में नहीं सफल हो पाएंगे। इसलिए आपके पास जरूरी है कि आप अपनी पढ़ाई में समझ को विकसित करने का प्रयास कीजिए और इस चकाचौंध भरी दुनिया से निकल करके वास्तविकता को अपने जीवन में उतारने, समझने और स्वीकार करने की क्षमता पैदा कीजिए। तो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब यहां पर ये चीजें झुठलाई जाती हैं कि बहुत टैलेंटेड लड़का था, हाई स्कूल में फला परसेंट पा गया। अरे वो परसेंट से नहीं कुछ होने वाला भाई, आप टीडीएट में हर कोई 90-95% पा रहा है। अब पुराने जमाने में 90% कोई नहीं पाता था, इसका क्या मतलब है? पुराने जमाने में जो है संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा कोई नहीं पास करता था, या कोई अच्छे पदों पर नहीं जाता था, कोई समझदार नहीं होता था, कोई योग्य नहीं होता था। ऐसा नहीं है, केवल नंबर के पीछे भागने का प्रयास मत कीजिए, समझ बढ़ाने का प्रयास कीजिए, उन समझ को व्यवहार में उतारने का प्रयास कीजिए, डिसीजन मेकिंग की क्षमता विकसित कीजिए, विभिन्न प्रकार के केस स्टडी पढ़ने का काम कीजिए। केस स्टडी से आपको जो है एक तुलनात्मक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण कि अगर ऐसा ऐसा हुआ है तो इसमें क्या क्या होना चाहिए, तो इन सभी बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। यकीन मानिए कि आप इन बिंदुओं के माध्यम से एक ऐसे डायरेक्शन में मूव करेंगे, एक ऐसे डायरेक्शन में मूव करेंगे जहां के रास्ते सफलता की तरफ लेकर के जाते हैं। इसलिए टैलेंटेड होना ही सफल होने की एकमात्र गारंटी नहीं है, उसके लिए आपको यहां से ऐसे चलना पड़ेगा और ऐसे चल करके तब आप यहां पर पहुंचेंगे। यहीं से सीधा यहां पर नहीं पहुंच पाएंगे, ज्ञान भी आप लेंगे, इंफॉर्मेशन लेंगे, इस इंफॉर्मेशन का व्यवहार में आप प्रयोग करने का प्रयास करेंगे, प्रयोग करने के साथ साथ आप उसको डिसीजन मेकिंग में लाएंगे और रणनीतियों के साथ आप तब सफलता पर पहुंच पाएंगे। इसलिए समाज में ऐसे बच्चे बहुत होते हैं जो आप जीवन भर पढ़ाई करते रहते हैं लेकिन वो लक्ष्य तक नहीं पहुंचते हैं, और उसके लिए उनके पास बेहतर ढाल है भाग्य बना लो भाई। भाग्य क्या चीज है? भाग्य बना लो जो है मूर्खों का हथियार है, ढाल है, तलवार है, सब उसी को बना लीजिए। तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप अपने जीवन में जो है आपके जीवन का जो है लक्ष्य एकदम निश्चित होना चाहिए। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपके पास सिलेबस होना चाहिए, स्टडी मटेरियल होना चाहिए, इसके साथ आपका स्मार्ट लेबर होना चाहिए, स्ट्रेटजी होनी चाहिए, परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के अध्ययन की क्षमता होनी चाहिए। और यकीन मानिए कि अगर इन स्ट्रेटजी के माध्यम से आप लक्ष्य तक पहुँचने की दिशा में प्रयासरत होंगे तो यकीन मानिए आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति आपको सफल होने से नहीं रोक सकता है। दुष्यंत कुमार की पंक्तियों को कोट करते हुए मैं अपनी यहां पर बात को जो समाप्त करने का प्रयास करता हूं कि रहनुमाओं की अदाओं में फिदा है दुनिया, इस बहती हुई दुनिया को संभालो यारो, और कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो।
तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको एक नई दिशा मिला होगी और निश्चित तौर पर इस मिली हुई दिशा के साथ आप आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। अगले लेक्चर में पुनः इसी प्रकार के एक नए मोटिवेशनल वीडियो को लेकर के आप लोगों के सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।